ये देखो कहाँ पे। हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तोरी की राय की बारी पता थी, नहीं ऐसे रहने पड़ेगा। कल शिवानी की, तो आज तोरी की। उसको फिर उसके बाद मैंने अभी शावर दिया है अच्छे से। शिवानी को भी मैं राइड करने के बाद जब उसको पसीना सूख जाता है तो उसको नहलाता हूँ, लेकिन हॉर्स को राइड करने के बाद मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20-25 मिनट तक, जब तक उनकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही उनको नहलाना चाहिए। मैंने नहला दिया, अभी दोनों को चने दूंगा। लेकिन एक गिफ्ट आया है हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैन हैं जूनागढ़ से राहुल भाई, उनके पे हम गए थे लास्ट, उनके वहाँ से कुछ आया है, तो मैं अभी वो सरप्राइज है, मेरा बहुत फेवरेट है, किसी के साथ उन्होंने भेजा है, मेरे एक दोस्त है उसके साथ भेजा है, तो लेने जा रहे हैं, तो दिखाएंगे क्या है वो। मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ और बाकी सब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। हाँ, क्योंकि लेट हो रहे, फिर वो लोग वहाँ पे वेट करेंगे। मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ और मैं ख़त्म करती हूँ। आजकल दिन में थोड़ा सा बिजी होते हैं तो हमारे व्लॉग्स थोड़े से लेट आते हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू, आप सभी लोग वेट करते हो, देखते हो, तो कीप वॉचिंग। वापस आ गया गिफ्ट लेके। क्या है गिफ्ट? गिफ्ट ये है, इधर आ जा। जामुन तो मेरे और पापा के यूजफुल है ज्यादा। हाँ, सब लोगों को पसंद होते हैं जामुन, लेकिन ब्लैक जामुन जो बड़े वाले, जिसको पारस जामुन भी बोलते हैं, और जिन्होंने भेजे उनकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अगर आपको याद होगा, हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड हमने किया था विकलांग बच्चों के लिए, या तो मेंटली और फिजिकल जो बच्चे डिसेबल होते हैं, वो लिंक हम उनका एक आश्रम है। हाँ, तो वो आश्रम का हमें जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, उनके बारे में हमें एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की, वो राहुल भाई नाम है उनका, राहुल भाई आहिर जूनागढ़ से, और वो आश्रम में जो ट्रस्ट है उसमें भी राहुल भाई काम करते। तो असल में हम उस टाइम पे एक प्रमोशनल वीडियो करने वाले थे गिर में कहीं रिसोर्ट का, तो फिर राहुल भाई ने बताया, हमें होटल में मिलने आए थे एज ए हमारे सब्सक्राइबर, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, वो प्रमोशनल वीडियो कैंसिल करके ये बच्चों के लिए एक वीडियो बना देते, ताकि उनको थोड़ी सी जो भी हेल्प मिल जाए एज ए बाहर से भी या इंडिया से, तो हमने वो किया था, बहुत हेल्प मिली थी उन बच्चों को। आप एक बार वो वीडियो देखना, हम लिंक भेजेंगे, डिस्क्रिप्शन में रखेंगे ये वीडियो के, और दिल से थैंक यू राहुल भाई को इसलिए कि जामुन भेजे, और नहीं वो मजाक है, दिल से थैंक यू इसलिए भी, और जो वीडियो के लिए हमें उन्होंने आइडिया दिया था उसके लिए भी थैंक यू राहुल भाई को। पके हुए हो गए या कच्चे, पता नहीं। उस टाइम पे जामुन थे नहीं, तो जो फ्रीजर में रख के होते थे वो खाए थे हमने, पता है। राहुल भाई ये बाहर भेजते, उनके वहाँ पूरा फार्म है जामुन का, हमने देखा पर्सनली, हम गए थे उनके घर, और इसको निकालने के लिए भी वो बोल रहे थे कि बहुत ध्यान से इसको, अगर ये नीचे गिर जाते तो ये खराब हो जाते। पेपर है, बहुत मेहनत लगाई, पापा टेस्ट करते पहले, पकड़ लीजिए। हम फाइव, पापा को भी जामुन बहुत पसंद है, बहुत ही नाइसली अच्छे तरीके से इन्होंने पैक किया है, और ये बाहर भेजते। आज ही मुझे मेरी बात हुई थी उनसे जब वो भेज रहे थे ये, और ये जामुन के हेल्थ के बेनिफिट बहुत है, और मेहनत बहुत लगती है इसको उतारने में और इसको फिर पैक करने में। मीठा बहुत है, पकल है। जामुन पापा को भी अच्छे लगे, थैंक यू राहुल भाई। इन मम्मी अभी आए हैं गांव में से, मैं छोड़ के आ गई थी वापस। सही खत्म મારે એ જ ખાવું, એ મને તો બહુ ભાવે છે, આ કરો બે, આ મારો ફેવરેટ છે, મમ્મી કા ફેવરેટ હે, આ છે મોકલા હોય ને કે ના, એક તમાર જેવી જાય, બહુ બહુ આભાર ને એને ધન્યવાદ ને હારા આશીર્વાદ દા મમ્મી, થેન્ક યુ બોલ રહે। Okay. So you can play cricket as well with that, yeah? Yeah. And it is so fluffy. But this is the tennis ball game. Yeah, that's tennis ball, you're right. The original cricket ball is red and is very heavy. But you can use this ball to play cricket as well, okay?
Yes? Oh. I like my real things. Okay. Oh. What? आज हमें टाइम नहीं मिला सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट करने का, क्योंकि आज हमने हमारा जो प्रेयर रूम है वो पूरा क्लीन किया है एंड अभी काम चल रहा है। 12:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। रामदेव गया है पोरबंदर कुछ काम से जो कल पूरा नहीं हुआ था। एंड आज हम ओम का एक नया दोस्त आया है, सो ओम आप सभी लोगों को उनसे मिलवाएगा, है ना? हाँ, इस बॉक्स उसका घर बना के रखा है। देखो ये खिली है, ये खिली है जो दो दिन से ची 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 ऐसे अकेली पड़ गई थी, तो वो बोल रही थी। फिर कल से इसके मम्मी पापा कोई लेने नहीं आया इसे, तो अभी आज दोपहर को ये स्विंगिंग हुआ है मेरे हाथ के नीचे। अच्छा, ये स्टिक हो रहा है ओम के हाथ में जैसे कि स्पाइडरमैन। ओम को तो नया दोस्त मिल गया, तो ओम बहुत हैप्पी है। एंड इसको अभी रोटी दी है, इसको खिलावा। हाँ, अभी हम इसको दूध पिलाएंगे तो पी लेगी, ठीक है ना? पता है लास्ट टाइम एक छोटा बेबी आया था, फिर वो बड़ा हो गया था, फिर नहीं, हमने ये हाँ ये हाँ, और ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, और ये वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब पहला था छोटे था। हाँ, इसे रहने दो। ओके, अभी मैं क्लोज से यहाँ पे स्टिक का। हाँ, ये कहीं पे? ओ, ये है ना, ये सोफा में ही स्टिक हुआ है। अच्छा, ये सोफा में भी स्टिक होता है? हाँ। ओके, अब ऊपर बैठ जाओ तुम। और ये है ना, हाँ? ये स्क्यू स्टिक हुआ है, हाँ? क्योंकि इसके नेल्स थोड़े से बड़े हो गए हैं। अच्छा, हाँ। ओके, देखो ये ओम का दोस्त बन गया है ना? और ये यहाँ पे भी बैठा है। अच्छा, बेबी और यहाँ बेबी। हाँ, रहने दो एक मिनट उसको, कहीं बैठने दो तो। वाह, वो में एक फिंगर में भी स्टिक हुआ है। अच्छा, वो क्या कर रहा है? हाँ, उसको अच्छी तरह से नीचे बैठने दो वरना गिर जाएगा। वो जब बड़ा हो जाएगा ना, फिर पेड़ों पे ऐसे जंप करता है ना, तो वो कहीं पे भी स्टिक हो सकता है ना? हाँ, लाइक सोफा हो एनीवेयर। यस, ओ ऑल ओवर आवर हाउस। यस, यू लाइक इट? यस। अभी इसको दूध पिलाना होगा ना हमें? रुको, हाँ। ये देखो कहाँ पे है। ओके, फेस पे आ गया था। हाँ। ओ, ऐसे बोला। लाइक सी वो सेइंग, डोंट लुक एनीथिंग ओम। ओह हाय बेबी, यू वांट टू ड्रिंक समथिंग? दूदू, देखो उन्होंने कैसे पकड़ के रखा है। आई एम जस्ट टचिंग विद ओनली वन फिंगर। ओके। जस्ट लाइक दैट। ओह, स्लोली स्लोली, हाँ, वेरी जेंटली, ओके? गो। व्हाट आर यू लुकिंग टू मी? कैन यू वॉक? ना, स्टिक कर एंड वॉक कर। ना, स्टिक कर देता है टी शर्ट में। स्लोली स्लोली लुक दिस वे, कम बैक, स्टिक। हाँ, ओके, वॉक। ओ, आई कैन सी। स्लोली, हाँ, बी केयरफुल। Now she looks very messy. I don't like messy animals. I don't like messy animals. Because she got energy now. First, when I put somewhere, then he was just staying there every time. He's not climbing in my hand. Oh, she was not. But now she got energy because she was drinking dudu, huh? Yeah. What is looking? Yeah. I don't understand what she is saying. Yeah. देखो देखो आ रही है तुम्हारे पीछे। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, तुम्हारे पीछे आएगी। चलो चलो चलो। Come out. Come out. Yeah. Now you go. Go. She's coming. Not that far.
तो प्रेयर रूम हमने क्लीन कर दिया अच्छी तरह से पूरा, एंड बहुत सारे लोग ऑलवेज पूछते हैं कि आपके रूम में, आपके वीडियोस में बैकग्राउंड में पीछे आवाज़ क्या आती है, तो ये है जिसका इसमें लिखा है मीरा मंत्र। लेकिन इसमें आई थिंक अलग अलग टाइप्स के आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो अमेजोन में मिलता है। और ये साइड में से इसका वॉल्यूम भी है, आप इसको स्लो फास्ट रख सकते हो। इसमें महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मंत्र आते हैं जो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। पारा बोलते हैं हम, कभी बिच्छू काट ले ऐसा कुछ होते तो इसको वहाँ पे ऐसे नीचे पीस के वहाँ पे लगाते हैं, तो ये इसका पूरा जहर है वो खींच लेता है। एंड दूसरी इसकी खासियत ये है कि बारिश आने से पहले इसमें से जैसे पत्ते निकलते हैं, डालियाँ निकलती है, तो आप देख सकते हो इसमें। सो ये साइन दिखा रही है कि नेक्स्ट एक महीने के अंदर बारिश आएगी। अगर आप इसको किसी भी पैक जगह में रख दो, बॉक्स में भी रख दो, तो ये पूरी इसकी डालियाँ निकल जाती है बारिश आने से पहले। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको 10-15 दिन बाद कि कितनी लंबी डालियाँ निकली है, ये ग्रो होता है बारिश से पहले।